नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में बताएंगे कि आप प्रियांशु सिंह के जैसा भोजपुरी गाने का न्यू रिदम कैसे बना सकते हो। आज मैंने इस एफएल स्टूडियो के अंदर एक गाने को लिया हूँ, जिस गाने का ट्रैक मैं बनाने वाला हूँ आपके सामने। सबसे पहले 2 सेकेंड के लिए इस गाने को सुन लीजिए कि किस तरह का ये गाना है, और उसके बाद में बताते हैं कि इसका आप कॉपी ट्रैक कैसे बना सकते हो बिल्कुल प्रियांशु सिंह के जैसा। ये आपने गाना सुन लिया। अब इस गाने का हम कॉपी ट्रैक इसका रिदम बनाने वाले हैं। इसका किक, क्लैप्स, परकशंस, हाई हैट और प्लग्ड पैटर्न सब कुछ सेम यहाँ पे बनाने वाले हैं कि कैसे हम बना सकते हैं प्रियांशु सिंह के जैसा ओरिजिनल ट्रैक। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने गाने को डाल दिया हूँ। गाने का जो BPM है 123 BPM है, और इसका जो मेलोडी पार्ट चलता है वो है 12 पैटर्न का, ठीक है। 12 पैटर्न का उनका मेलोडी पार्ट चलता है यहाँ तक, और उसके बाद में सिंगर यहाँ पे गाना स्टार्ट करता है। तो इसका हम एक रिदम सबसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले सुनेंगे कि इसमें कौन कौन सा हमारा ऐड हुआ है। तो हमारा क्लैप्स है, हाई हैट है और प्लग्ड पैटर्न है। तो यहाँ से हम ये हम किक ले लेंगे और किक डाल देंगे पहले पे। ये हम हाई हैट यहाँ पे ले लेंगे और हाई हैट को डाल देंगे दूसरे नंबर पे। और उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है हमारे क्लैप्स की, तो क्लैप्स को भी यहाँ पे ले लेंगे, इसको डाल देंगे हम तीसरे पे। और उसके बाद में हम आ जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर, सेकर्स है, हम इसको भी ऐड करेंगे किक के साथ में, तो यहाँ पे ले लेंगे। और फिर प्लस पे जाएंगे, प्लग्ड पैटर्न बनाने के लिए हम GMS BST का यूज करेंगे। और इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ ले सकते हो अपने हिसाब से, जो भी साउंड जिसका अच्छा लगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लैप्स का यूज करेंगे और हाई हैट हर बीट के तीसरे क्वांटाइज पे डालना है। तो ये हमारा यहाँ तक पड़ गया है 4 पैटर्न का। ये हो गया, इसी के साथ में हमारा प्लग्ड पैटर्न बचता है, तो इसको दूसरे ट्रैक पे ले लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पियानो पे आ जाएंगे। और इस गाने का जो स्केल है F#माइनर है, तो F#माइनर के हम यहाँ पे नोट्स यूज करेंगे, प्लग्ड पैटर्न बनाएंगे 4/3/4/3 पैटर्न पे। और इसका माइनर स्केल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने फार्मूला आपको पहले भी बताया है, आपको याद रखना है। और उसके बाद में हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको एक दो नोट डाउन करेंगे यहाँ से, कुछ इस तरह से हमारे इस गाने में प्लग्ड पैटर्न का पैटर्न चलता है, बीट चलता है। फिर हम कंट्रोल ये करेंगे, और ऊपर भी एक हम ले लेंगे यहाँ से, ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्केल में पहुँच जाएगा, पतली आवाज़ हो जाएगी, इसलिए अब इसको हम इतना ही रखेंगे। ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। क्लैप्स का थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ से डाउन करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये हो गया, फिर यहाँ पे ब्रेक बजता है तो हम ब्रेक भी यूज करेंगे इसी के साथ में। ये वाला ब्रेक यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद में अब हमारा यहाँ से किक चलता है, सुन लीजिए पहले। ये किक चलता है तो हम यहाँ से किक यूज करने वाले हैं, तो किक हम यूज करेंगे यहाँ पे हर बीट के पहले क्वांटाइज पे, और उसके बाद में हाई हैट हर बीट के तीसरे क्वांटाइज पे, क्लैप दूसरे बीट के साथ और चौथे बीट के साथ में, और सेकर हम यहाँ पे यूज करेंगे, कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएंगे।
ये हमारा पैटर्न बन करके यहाँ पे रेडी हो चुका है, और इसको यहाँ तक हम रख देंगे। 8 पैटर्न तक और इसको ऐड करेंगे और फिर हमारा ये प्लग्ड पैटर्न यहाँ पे होगा। अब देखते हैं कि आगे कौन सा इसमें यूज होता है बीट। अब यहाँ से अगला यहाँ पे 4 पैटर्न का हमारा चढ़ता है इसमें हुड़का बीट। तो इसमें हुड़का बीट लगाने के लिए क्या करेंगे, हम 4था पैटर्न ले लेंगे यहाँ से और प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो भोजपुरी में सबसे ज़्यादा जो हुड़का बीट चलता है वो बॉलीवुड महाराजा नाम का जो BST आता है उसी से बनाया जाता है। तो उससे हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो आर्या शर्मा और प्रियांशु सिंह अपने भोजपुरी गाने में यूज करते हैं हुड़का बीट। यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे प्रेसेट यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ से ये वाला लेना है प्रेसेट्स, 11 नंबर वाला। इसके अंदर आप पूरा रिदम क्रिएट कर सकते हो। ये वाला यहाँ पे लेंगे क्योंकि इसी में यही वाला बज रहा है, और इसको हम 6th ट्रैक पे डाल देंगे। 1 मिनट, 6th ट्रैक पे राइट क्लिक करेंगे, पियानो पे चले जाएंगे, तो इसका एक हम यहाँ से होल का बीट तैयार कर लेते हैं। ये वाला, और इसको हम यूज करेंगे अगले 4 पैटर्न तक। अब यहाँ से सिंगर गाना स्टार्ट करता है, तो हम अब इसमें हम यूज करने वाले हैं ओनली क्लेप्स और हाई हेट और प्लग्ड पैटर्न। फिर यहाँ से प्लग्ड पैटर्न लगा देंगे, देखते हैं कितना तक ये सिंगर गा रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे यूज करेंगे। अब 2 पैटर्न का तो यहाँ पे ब्रेक चलता है, उसके बाद में यहाँ से हमारा किक चलता है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले किक यूज कर लेते हैं और प्लग्ड पैटर्न यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हुड़का बीट चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ से हुड़का बीट चल रहा है, तो यहाँ से हुड़का बीट भी लगाएंगे, और यहाँ से जो हमारा ब्रेक चलता है वो चीज़ यहाँ पे ब्रेक पैटर्न सबसे पहले बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम ब्रेक बनाते हैं, एक बार ये रख देंगे 5वें पे। एक 6 वाला, ये थोड़ा सा ऐसे मैच कराना पड़ेगा इसी के हिसाब से, जिस तरह से सिंगर गा रही है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। तो देखते हैं कहाँ पे ब्रेक चलेगा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बन चुका है, तो अब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, एक क्रैश, यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बेस यूज करेंगे, बेस, और टाइम को आएंगे 1 बार कर देंगे, और इसमें भी एक बेस ऐड करेंगे।
और फिर क्रेस हम यहाँ पे यूज कर देंगे, एक क्रेस हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, जब हमारा ब्रेक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्रेस यूज करेंगे। ये इतना हो गया और उसके बाद में हम एक बेस इफ़ेक्ट ले लेते हैं। तो बेस ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगाना ज़रूरी है तब जाके आपका ये ब्रेक का पूरा फिलअप यहाँ पे बन पाएगा, सुनने में अच्छा लगेगा लोगों को। इसको 2 बार कर देंगे। अब ये बन करके यहाँ पे रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे गाना ख़त्म हो जाता है, फिर से यहाँ पे म्यूजिक चलता है 12 पैटर्न का। तो यहाँ से ये वाला हम चलाएंगे, अब फिर से यहाँ पे ब्रेक, यानी कि फिर से थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक है, उसके बाद में फिर से यहाँ पे हुड़का बीट यूज किया गया है। तो फिर से यहाँ पे हुड़का बीट चलेगा 4 पैटर्न का। अब फिर से यहाँ पे आ गया, तो अब उसी के गाने के हिसाब से, वोकल के हिसाब से हम यहाँ पे बीट यूज करेंगे जब सिंगर यहाँ पे गा रहा है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे ब्रेक बनाएंगे। तो एक किक यहाँ पे बज रहा है, दूसरा यहाँ पे, फिर एक किक शायद यहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे बज रहा है शायद यहाँ पे। तो देखते हैं उसको उसी के हिसाब से यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके का पैटर्न बनेगा जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है। फिर यहाँ पे फिर से आपका 4 किक वाला पैटर्न चलेगा, प्लग्ड पैटर्न बजेगा और फिर इसमें हुड़का यूज हो जाएगा। अब फिर से वही चीज़ है इसमें, तो हम यहाँ से इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और इसको आगे हम ट्रैक के साथ में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके का आपका जो प्रियांशु सिंह का जो ट्रैक है, रिदम है, वो यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक मुखड़ा और एक अंतरा का यहाँ पे बना दिया हूँ, सेकंड अंतरा है, तो उसको भी आपको इसी तरीके से बना लेना है। बस यहाँ से जो रिदम आपका बन चुका है, बस उसी पे आपको बिठाना है, कापी पेस्ट करना है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर आपको और बता देते हैं कि आगे कैसे यहाँ पर क्या करना है। तो चले यहाँ से इसको हम यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं एक बार।
और फिर उसके बाद में इसको भी यहाँ से और फिर इसमें हुड़ का बीट हमारा लग जाएगा, यानी कि जिस तरह से इसमें यूज हुआ है जो पैटर्न वही पैटर्न आपको इसी में यूज करना है। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे बोला था आपको बस वही चीज़ कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है, तो बस सेम ही चीज़ है इसमें। बस इसी को उठा करके कॉपी पेस्ट कर देना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम रख देंगे और इसको भी हम यहाँ से आगे ऐड कर देंगे और इसको फिर यहाँ पे और उसके बाद में जो बेस इफ़ेक्ट है लास्ट वाला इसको यहाँ पे रख देंगे और ये आपके बन करके रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही मैंने आपको पूरा रिदम इसका बना करके दिखा दिया हूँ कि कैसे आप प्रियांशु सिंह के जैसा गाने का रिदम बनाओगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल उनका ओरिजिनल। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैसे नहीं कह सकते क्योंकि उनका किक कुछ अलग यूज हुआ होगा और मेरा किक यहाँ पे जो मेरे पास स्टॉक लूप्स सैंपल्स हैं मैंने वही यूज किया हूँ। और भी यहाँ पे बहुत कुछ बाकी है इसमें, जैसे कोडिंग करना है और इसमें सब बेस डालना है और इसका मेलोडी करना है, वो सारी चीज़ें भी बाकी हैं इसमें। तो वो सारी चीज़ें आपको करना है, अगर आप मेलोडी करते हो तो ट्रैक बना करके आप इसका मेलोडी कर सकते हो। तो अगर आप ये ट्रैक डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरीके से मैं बताता हूँ, सभी लोगों को सिखाता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से जो लोगों को समझ आ सके, और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी गाने का रिदम बनाना सीख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।